हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के वजह से बाहर जा भी नहीं पाया था। और ये देखिए मेरा दाढ़ी वाड़ी चूल सब कुछ बढ़ चुका है और देखने में भी बहुत गंदा लगा। गाइस, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो हम लोगों का आसाम का बेटी, जो भारत की बेटी लवलीना, जो टोक्यो ओलंपिक में गई थी, वो आज घर आ रहे हैं। और जो लवलीना का घर है वो हम लोगों के गाँव से ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग के गांव के पास ही में है। और वो जो घर जा रही है तो हम लोग के गांव होके ही जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग का गांव का जो देवपानी मंदिर है, मंदिर के पास लवलीना को मतलब वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस, अभी मैं मंदिर के गेट की तरफ जा रहा हूँ, तो वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो गाइस, अभी हम लोग मंदिर के गेट के बाहर में हैं। अभी ये भैया लोग भी आ चुका है, सिमरन भैया और सुभाष भैया और किशोर भैया। और गाइस, ये रहा हम लोगों का देवपानी मंदिर का गेट जो कि अभी लॉकडाउन के लिए बंद है। गाइस, अभी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम लोगों का आसाम की बेटी, भारत की बेटी, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर लवलीना बोरगोहाई। अभी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम लोग के गांव में मंदिर के पास। तो गाइस, इंतज़ार खत्म हुआ, अभी फाइनली पहुँच चुके हैं, हम लोग के लवलीना बोरगोहाई। तो गाइस, अभी फाइनली पहुंच चुके हैं लवलीना बोरगोहाई हमारे मंदिर के पास। और सब लोग यहाँ पे आके गमछा पहना के लवलीना का स्वागत कर रहा है। और सभी लोग यहाँ पे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं लवलीना को देख के, क्योंकि लवलीना ने देश के लिए इतना कुछ खेला है, देश का नाम किया है देश के लिए खेल के, तो जो कि टोक्यो ओलंपिक में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई है। तो सब लोग यहाँ पे लवलीना को लेके बहुत खुश है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सब लोग। तो गाइज, मैं आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करता हूँ। और कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट करके बोलना और एक लाइक कर देना प्लीज़। और लास्ट में प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, कैसे जाओ।